स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 3 फ्रॉम क्लास 12th। लेकिन जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक हम यहाँ पर इस वीडियो में कर रहे हैं, वो अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी है। दोनों का कॉमन टॉपिक है, तो क्वेश्चन भी दोनों के लिए कॉमन ही है। तो पिछले अपने दो वीडियोस में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें आपको बताया था कि किस तरह से आपको रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव बताना है, या इक्विवेलेंस कैसे प्रूव करना है। तो आज के इस पार्ट में कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे, यहाँ से और समझेंगे आपको किस तरह से इसको प्रूव करना है। तो रिलेशन आपको यहाँ दिया हुआ है, कहता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन। जो पॉइंट पी है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से, और जो पॉइंट क्यू है उसका डिस्टेंस भी ओरिजिन से सेम दिया हुआ है, ऐसा रिलेशन है। तो ये प्रूव करना है, इनके इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले इतना पार्ट करते हैं हम। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, जो पॉइंट पी है, अगर उसका डिस्टेंस हम निकालते हैं ओरिजिन से, ओरिजिन को मान लेते हैं कि ओ है ओरिजिन, लेट ओ बी द ओरिजिन। अब ओरिजिन से मान लो एक पॉइंट आपके पास P, एक पॉइंट ले लेते हैं हम, तो ओरिजिन से अगर आप उसका डिस्टेंस निकालोगे OP का, तो OP तो हमेशा OP के बराबर ही रहेगा। अगर आपके पास एक सर्कल है और ये आपके पास ओरिजिन है, तो ओरिजिन से सर्कल की जरूरत नहीं है एक्चुअली, ये ओरिजिन है आपका। ओरिजिन से यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे P, अब इसका डिस्टेंस OP, तो OP के बराबर ही रहना है क्योंकि पॉइंट तो सेम ही है। तो OP OP बराबर है, दैट मींस क्या हुआ कि यहां से जो पॉइंट है आपका PP, ये रिलेशन को बिलोंग करता है। अब रिलेशन को बिलोंग करता है, दैट मींस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि पॉइंट ही दोनों का सेम है, तो डिस्टेंस तो सेम रहना ही है। तो अगर ये दोनों पॉइंट यानी सेम पॉइंट रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद हम प्रूव करते हैं इसको सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए, अगर आपके पास ये पी क्यू रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, पी क्यू रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दैट मींस जो ओ पी का डिस्टेंस है और ओ क्यू का डिस्टेंस है वो बराबर है, क्योंकि ओ क्या ले रहे हैं, ओरिजिन ले रहे हैं। तो ओ ओरिजिन से पी का डिस्टेंस, ओरिजिन से क्यू का डिस्टेंस बराबर आपको रिलेशन में दिए हुआ है। अगर आप इसको ऐसे लिख दें कि ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी, तो भी डिस्टेंस तो बराबर ही रहना है। अगर ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी आ गया, दैट मींस कि जो QP पॉइंट होगा वो भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो PQ तो आपको दिया हुआ था ऑलरेडी, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। QP हमने भी यहां से दिखा दिया कि रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपका सिमेट्रिक। अब उसके बाद आता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए फिर आपको तीन पॉइंट लेने होते हैं। तो अगर आपने ये कहता है कि PQ अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दैट मींस OP इक्वल्स टू OQ, एंड QR रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, That means OQ equals to OR। तो अब यहां से आप देखोगे OP OQ के बराबर है, OQ OR के बराबर है, तो यहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि OP और OR भी बराबर होगा। अगर OP और OR बराबर हो गया, that means क्या हुआ कि जो PR है ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर PQ बिलोंग कर रहा है, QR बिलोंग कर रहा है, तो PR भी बिलोंग करना चाहिए, वो भी बिलोंग कर गया, दैट मींस जो रिलेशन है आपका ये हो गया ट्रांजिटिव। अब रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो चुका है, सिमेट्रिक भी प्रूव हो चुका है, ट्रांजिटिव भी प्रूव हो चुका है, दैट मींस ये रिलेशन क्या होगा, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी रिलेशन अगर उसमें तीनों प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, तीनों रिलेशन वो होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। यहाँ कहता है कि शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 0 इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। अगर आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पर पी, और एक पॉइंट ले लिया हमने, ओरिजिन ले लिया पहले, अब ये कहता है कि एक पॉइंट है आपके पास पी, अब इस पॉइंट पी से रिलेटेड आपके पास जितने भी पॉइंट है, इस पॉइंट पी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो मिलकर एक सर्कल बनाते हैं, ये हमें शो करना है ऐसा। तो यहाँ पर देखो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस जितना भी आएगा, अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं जो पी से रिलेट कर रहा है, पी से रिलेट कर रहा है मतलब क्या होगा, अगर मान लो आपने पॉइंट ले लिया क्यू, तो इसका डिस्टेंस भी तो ओपी के बराबर ही होगा, क्योंकि रिलेट तो तभी करेगा पी और क्यू, दोनों आपस में रिलेट कब करेंगे, जब इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से बराबर हो। ऐसे अगर आपने कोई पॉइंट ले लिया आर, इसका डिस्टेंस भी इससे बराबर रहेगा। अगर पॉइंट दिया आपने S, इसका डिस्टेंस भी हमेशा इससे बराबर रहेगा। यानी जितने भी पॉइंट यहाँ पर आएंगे उन सब का डिस्टेंस क्या होगा, अगर OP का जितना डिस्टेंस है उतना ही उन सभी का डिस्टेंस होगा। तो
उनको जब आप ज्वाइन करेंगे इन सब पॉइंट्स को, तो ज्वाइन करके जो आएगा आपसे आपके पास वो फिगर क्या आएगी, वो फिगर आ जाएगी सर्कल। तो इस चीज को हम लिखेंगे कैसे, इसको आपको प्रूव कैसे करना है, इसको प्रूव करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको प्रूव करने के लिए मान लो आपने कोई पॉइंट ले लिया, क्यू ले लिया, कुछ भी आप नाम दे सकते हो कि लेट क्यू बिलोंग्स टू सेट ए, जो सेट ए के ही पॉइंट हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो क्यू अगर सेट ए को बिलोंग कर रहा है तो उसका जो डिस्टेंस होगा ओ क्यू का, ओ बी के बराबर ही रहेगा हमेशा। अब क्यू का मतलब यहाँ पर वो सारे पॉइंट आ गए, ठीक है, जनरल पॉइंट हो गया क्यू, उन वो सारे पॉइंट आपके ओ पी के बराबर ही रहेंगे, क्योंकि उनका जो डिस्टेंस आप निकालेंगे ओरिजिन से वो हमेशा बराबर ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो क्यू पॉइंट होगा वो कहाँ पर लाई करेगा, क्यू लाइज ऑन, अब क्यों अभी हमने आपको समझाया था कि उन सभी पॉइंट को अगर आप कलेक्ट करेंगे तो उनसे क्या बनेगा, मिलकर एक सर्कल बन जाएगा। तो क्यू कहां पर लाई करेगा, क्यू लाइज ऑन द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट पी, यानी जो पी पॉइंट से जो सर्कल पास हो रहा है उसी के ऊपर ही आपका पॉइंट होगा क्यू। तो यहां से आप ये शो कर सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी इज ए सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है यहाँ पर, मेन मेन चीजें उसकी लिख ली है। एक सेट ए है आपके पास, उस सेट में ये रिलेशन है आपके पास टी वन एंड टी टू, और उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है अगर टी वन रिलेटेड सिमिलर टू टी टू, इसको प्रूव करना है आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ भी पहले यहीं तक करते हैं, सेकेंड पार्ट इसका बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कह रहे हैं कि टी वन और टी टू दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो जब आप इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। अगर किसी एक ट्राइंगल की हम बात करते हैं तो वो ट्राइंगल आपस में अपना तो सिमिलर हो गई, सिमिलर का मतलब एक जैसा ही हो गया। तो जो टी वन है, टी वन ट्राइंगल टी वन के सिमिलर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है, तो टी वन के सिमिलर रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अगर आप टी वन दोनों एलिमेंट लेते हैं तो ये रिलेशन को बिलोंग करेंगे। अब ये रिलेशन को बिलोंग करेंगे इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो प्रूव हो जाएगा। अब सिमेट्री के लिए क्या दिखाएंगे हम, अब मान लेते हैं कि भाई ये तो आपको दे रखा है कि T1 और T2 belongs to R, यानी इसका मतलब हो गया कि जो T1 और T2 है वो दोनों आपस में एक दूसरे के सिमिलर है। अगर आप इसको ऐसे लिख दो कि T2 सिमिलर टू T1, तो भी कुछ गलत तो नहीं होगा। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 ऑब्वियसली है, T1 के सिमिलर तो होगा ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपके पास कंक्लूजन आ गया कि जो T2 T1 है ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अगर ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक हो गया। अब रह गया ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए फिर आप वही लेते हैं कि T1 और T2 ये दो ट्राइंगल हैं, रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स T2 सिमिलर टू T3। तो अगर आप इन दोनों से कंक्लूजन निकालेंगे कि T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, दैट मीन्स क्या हुआ, T1 और T3 दोनों आपस में हो गए सिमिलर। अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो T1 और T3 है ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो जो ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी है वो आपके पास आ गई कि T1 T2 बिलोंग करता है, T2 T3 बिलोंग कर रहा है, तो T1 और T3 भी बिलोंग करेगा। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब जो रिलेशन है आपका वो ट्रांजिटिव भी हो गया। अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, दैट मीन्स रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। It is an equivalence relation. अब उसके बाद आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तीन ट्राइंगल आपको दे रखे, एक ट्राइंगल है इसकी साइड है 3, 4, 5, दूसरा ट्राइंगल ये है, तीसरा ट्राइंगल ये है। Which triangle among T1, T2 and T3 related? इन तीनों में से कौन सा ट्राइंगल है जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। अब रिलेटेड का मतलब क्या है, रिलेशन क्या दिया हुआ था, रिलेशन था कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए। तो इन तीनों ट्राइंगल्स में से आपको वो देखना है कि कौन कौन से ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टीज आपने होपफुली 10th क्लास में पढ़ी होगी और आपको याद भी होगी, अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर होती है, या आप कह सकते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उसकी प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर आप देखो कि कौन से ट्राइंगल की साइड प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब उनकी रेशो बराबर है। तो यहाँ से अगर आप रेशो निकालोगे 3/5 और दूसरी रेशो आएगी 4/12, तो 3/5 और 4/12 तो बराबर आएगा नहीं, तो यानी ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर तो नहीं है।
इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों में देखेंगे 5/6 ये रेशियो आ गई, 12/8 को सॉल्व करोगे तो 6/4 आ जाएगा। पहली रेशियो थी 5/6, दूसरी आ रही है 6/4, तो यहाँ पर भी ट्राइंगल आपका सिमिलर नहीं हो रहा क्योंकि रेशियो बराबर नहीं है। अगर आप T1 और T3 को देखते हैं तो यहाँ पर रेशियो देखो 3 और 6 की रेशियो निकालेंगे 1/2 आ जाएगी, 4 और 8 की रेशियो निकालेंगे ये भी 1/2 आ रही है, और 5 और 10 की रेशियो निकालेंगे ये भी 1/2 आ रही है, यानी ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल से रिलेट करता है। तो आप यहाँ दिखा देंगे बिकॉज साइड्स ऑफ T1 एंड T3 आर प्रोपोर्शनल देयरफॉर T1 is related to T3, therefore T1 is related to T3। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है शो दैट द रिलेशन R इज डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल पॉलीगन। सेट A क्या है यहाँ पर? ऑल पॉलीगन्स का सेट है एंड रिलेशन इज P1 एंड P2। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P1 और P2 के अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स को प्रूव करना है कि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो यहाँ भी पहले हम इतना ही काम करते हैं। तो इक्विवेलेंस के लिए आपने प्रूव करना है पहले इसको रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपने दिखाना है कि जो P1 और P1 है वो दोनों बिलोंग करने चाहिए रिलेशन को। अब क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या कह रहा है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी किसी भी तरह का पॉलीगन है अगर उसके अंदर 5 साइड है, तो अगर आप उसी पॉलीगन को लेंगे तो उसमें साइड तो उतनी रहनी है, 5 ही रहनी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो P1 एंड P1 है दोनों यहाँ पर पॉलीगन सेम ही है, P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो P1 और P1 है ये रिलेशन को बिलोंग करता है। अगर ये रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब उसके बाद जो सिमेट्रिक के लिए हम देखेंगे तो सिमेट्रिक में क्या आएगा, अब सिमेट्रिक में हम ले लेते हैं कि P1 एंड P2 बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। अगर इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख दें देयरफॉर P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो कुछ गलत तो नहीं होगा, क्योंकि P1 और P2 के अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स है। अगर आप बोलते हो कि P2 और P1 है उसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ साइड है, इसका मतलब ये हो गया कि जो P2 और P1 है ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका प्रूव सिमेट्रिक। अब सेम यही प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं ट्रांजिटिव के लिए कि P1 एंड P2 belongs to relation, that means P1 and P2 have same number of sides and P2, P3 also belongs to R, that means P2 and P3 have same number of sides। तो अब यहाँ से दोनों जो हमारे पास स्टेटमेंट आई उन दोनों से कंक्लूजन ये निकल सकता है, यहाँ पर कहता है कि P1 और P2 उसके अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, फिर कहता है P2 P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो इसका मतलब कंक्लूजन तो आपके पास ये बन गया कि P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर यहाँ भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है इसका मतलब क्या होगा कि जो P1 और P3 है ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया और ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया, दैट मीन्स क्या हुआ कि जो रिलेशन आपको दिया हुआ है ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। इस रिलेशन को प्रूव करने के बाद आपके पास आगे पूछता है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड 3, 4 एंड 5। कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ए में, ए क्या था हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, हर तरह का पॉलीगन उसके अंदर है, ट्राइंगल से लेकर आगे जितने भी पॉलीगन होते हैं सारे उसके अंदर है, तो उनमें से कौन सा ऐसा सेट होगा जो इस ट्राइंगल के साथ रिलेट करेगा। यहाँ पर ट्राइंगल की साइड भी आपको दे दी है 3, 4, 5, लेकिन उन साइड्स का कोई यूज नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बता दिया उसने, लिख दिया ट्राइंगल है, ट्राइंगल का मतलब 3 साइड तो उसके अंदर हो ही गई, और जो रिलेशन था वो क्या था, रिलेशन था कि सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, यानी जो भी सेट ऑफ ट्राइंगल्स होगा वो आपके इस ट्राइंगल के साथ रिलेट करेगा।
क्योंकि उस ट्राइंगल में सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में जितने भी ट्राइंगल आएंगे सभी की तीन साइड ही होंगी, तो इसका मतलब बिकॉज ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, देयरफॉर सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल रिलेटेड टू ट्राइंगल टी, जो ट्राइंगल आपको यहां पर दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल टी, वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल के साथ रिलेट करेगा क्योंकि उसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ साइड है और जो ट्राइंगल टी आपको दिया हुआ है उसमें भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें जो रिलेशन आपको दिया हुआ है कह रहा है कि L1 L2 दो एलिमेंट है, L1 इज पैरेलल्स टू L2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां भी आपको इक्विवेलेंस ही प्रूव करना है, तो स्टार्ट आप वैसे ही करते हैं, स्टार्ट रिफ्लेक्सिव के स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या हुआ, कोई भी जो लाइन होती है वो आपस में खुद की तो पैरेलल होगी होगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। तो अगर आप लाइन यहाँ पर एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, दूसरी लाइन इसी के ऊपर ड्रॉ कर रहे हो, तो उनका डिस्टेंस तो जीरो है, मतलब रहेगा तो सेम ही ना, चाहे कुछ भी हो। यानी जो लाइन L1 है, लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, सॉरी लाइन L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि L1 L2 दो एलिमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं आपको, L1 एंड L2, एंड L1 इज पैरेलल टू L2, ये दोनों आपस में रिलेशन इनका दिया हुआ है। इसको भी प्रूव करना है आपको कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पर भी आपको पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए मतलब दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब दोनों एलिमेंट सेम का मतलब क्या है कि कोई भी जो लाइन होती है वो अपने आप की खुद की पैरेलल तो होगी होगी। अगर पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब जो दो लाइनों का डिफरेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहे, एक जैसा रहे। तो अगर आपने एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी L1, इसी के ऊपर आप L1 और ड्रॉ कर रहे हो, तो मतलब इनका जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहना है ना, जीरो डिस्टेंस है लेकिन रहेगा तो सेम ही। तो इसका मतलब कोई भी जो लाइन होती है, लाइन L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर ये खुद के ही आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो L1 पैरेलल्स टू L1, अगर ये पैरेलल है इसका मतलब क्या हो गया, जो L1 है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दैट मींस ये रिलेशन क्या बन गया आपका, रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए जब देखेंगे कहता है कि L1 और L2 अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जो L1 पैरेलल्स टू L2 दोनों आपस में पैरेलल हो गई। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि L1 L2 के पैरेलल है तो आप ये भी तो कह सकते हो कि जो L2 है वो L1 के पैरेलल है। बात तो दोनों एक ही है, बात दोनों एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो L2 L1 है ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, यानी इसका मतलब ये प्रूव हो गया आपका कि ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव के लिए भी आप सेम यही प्रोसेस यूज करेंगे कि भाई L1 L2 के पैरेलल है, रिलेशन दिया हुआ है, तो L1 पैरेलल्स टू L2, L2 L3 ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दैट मींस L2 पैरेलल्स टू L3। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से दोनों से कंक्लूजन अगर आप निकालेंगे तो देयरफॉर L1 इज पैरेलल्स टू L3, क्योंकि L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। अगर ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो L1 L3 है ये रिलेशन को बिलोंग कर रही है, यानी ये प्रूव हो गया आपका कि ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया, ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिलेशन आपको दिया हुआ है वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है उसमें कहता है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y = 2x + 4। दो गिवन लाइन की जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन is y = 2x + 4। तो यहाँ पर जो आपको अब बताना है कि ऐसी कौन सी लाइन्स होंगी जो इसके हमेशा पैरेलल रहेगी, उसका आपको सेट बताना है। तो लाइन जब पैरेलल होती है, कभी भी आप ध्यान से देखना कि लाइन जो पैरेलल है, जो क्लास 12th के स्टूडेंट है वो 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप बराबर होते हैं। अब स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप आपका ये होता है, यहाँ पर जो 2 आ रहा है, अगर आपको इस फॉर्म में लिखिए कोई भी इक्वेशन, तो यहाँ पर जो एक्स के साथ जो नंबर होता है वो स्लोप होता है। तो ये स्लोप अगर आपका बराबर आएगा तो लाइन आपकी हमेशा पैरेलल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ लाइंस रिलेटेड टू
गिवन लाइन इज y इक्वल्स टू 2x प्लस c, आप इसको चेंज कर देंगे। एक्स वाई तो कॉमन पॉइंट होते हैं, जनरल पॉइंट होते हैं, उनको एज इट इज रखना है। अब क्योंकि लाइन पैरेलल दिखानी है आपको, इसलिए यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 रखना है। ये वाला पॉइंट जो है ये चेंज हो सकता है, ये पॉइंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। यानी जो इस फॉर्म में आपने लाइन लिखी हुई है वो लाइन हमेशा इस लाइन के पैरेलल ही आएंगी। तो बच्चों आइए, होप कि इस वीडियो के थ्रू, इस लेक्चर के थ्रू आपको रिलेशन के बारे में सब कुछ समझ में आ पाया होगा कि रिलेशन आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करना है, और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और उसको कैसे प्रूव करना है। और आपको ये अगर कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आने वाली जो वीडियो है वो कंटिन्यूसली आपको मिलती रहे। अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ साथ क्लास 10th, 11th, 12th इन तीनों की वीडियोज भी अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भाई हैं, ब्रदर या सिस्टर हैं, तो आप उनके लिए भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।